हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे BS4 और BS6 के डोजर के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है। तो BS4 में हमने देखा कि एक डोजर यूनिट डोजिंग करने के लिए यूरिया टैंक के ऊपर लगा है, तो वो काम इस तरह से करता था कि जब हमारी गाड़ी चलती थी और नॉक्स सेंसर, ये हमारा जो आउटलेट एक ही नॉक्स सेंसर था, ये नॉक सेंसर 2 जो टेल पाइप के पहले मफलर के बाद SCR के बाद जो लगा रहता था, एक ही नॉक सेंसर था, तो ये जब गाड़ी हमारी चलती थी और 10 15 20 मिनट जब गाड़ी चलती थी रोड पे लोड लेके, गाड़ी का वजन लेके या माल का वजन लेके चलने से कंबंशन चेंबर का टेम्परेचर बढ़ता था। 2100-2200 डिग्री सेल्सियस जब कंबंशन चेंबर से निकलने वाली गैस का टेम्परेचर या उस एरिया में उतना गर्मी होती थी, तब जाके ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के साथ मेल्ट होता था और नॉक्स बनता था, और तब ये नॉक्स सेंसर बताता था कि अब नॉक्स बनने लगी है। तो इस कंडीशन में हमारा डोजर जागता था, मतलब अगर गाड़ी हम खड़ी में स्टार्ट रखें तो डोजर सो रहा होता था और वो न मोटर चलता था उसका, कुछ नहीं, सिर्फ नॉक सेंसर पे ECM नज़र बनाए रखता था। लेकिन और जब नॉक्स की मात्रा बढ़े BS4 मानक से ऊपर, तब जाके वो रेडी होता था स्प्रे करने के लिए और प्रेशर बनाता था और फिर स्प्रे करता था साइलेंसर के ऊपर, जिससे नॉक्स की मात्रा घटे। लेकिन BS6 में क्या हुआ है, BS6 में जैसे ही हम इग्निशन ऑन करेंगे तो ये हमारा डेफ का मोटर डेफ टैंक में से यूरिया खींचना शुरू कर देता है मिक्सिंग चेंबर पे। गाड़ी को जैसे इग्निशन ऑन किए, मतलब चालू किए, तो ये यूरिया खींचना शुरू कर देगा और यहाँ तक देगा, उसके बाद एक रिटर्न लाइन है टैंक को, तो यहाँ से खींचेगा मोटर, यहाँ पे लाएगा, यहाँ से फिर ये रिटर्न चला जाता है टंकी में। ये प्रक्रिया चालू रहती है, नॉक्स बने या ना बने। क्यों ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि उसको जागने में, तैयार होने में समय लगता था BS4 में। और BS6 के अंदर क्या है कि नॉक्स का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। नॉक्स का लेवल इसके मानक के अंदर आने के लिए BS6 में बहुत ज़्यादा कम किया गया है कि कम से कम नॉक्स निकले, तो ये पहले से तैयार रहता है। जैसे ही नॉक्स सेंसर हमारा नॉक्स सेंसर 2 बताएगा नॉक्स की मात्रा BS6 मानक से अधिक निकल रही है, डोजिंग यूनिट पहले से तैयार है, प्रेशर आ रहा है, यूरिया आ रहा है, जा रहा है, अब वो उसको स्प्रे करवा देगा तुरंत SCR कैटलिस्ट, उसको नॉक्स को रिडक्शन, मतलब नॉक्स को नाइट्रोजन गैस गैस में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, ज़रूरत पड़ेगी तब। लेकिन BS4 में ये सोया रहता था, जागने में समय लगता था। BS6 में मोटर हमेशा चलते रहता है, डोजिंग मॉड्यूल के पास, इसको मॉड्यूल बोलते हैं इंजेक्टर को, डोजल मॉड्यूल के, डोजिंग मॉड्यूल के पास हमेशा से यूरिया आते रहेगी, टैंक में वापस जाते रहेगी, ये प्रक्रिया चालू रहेगी। नॉक सेंसर हमारा बताएगा और ये तुरंत छींटना शुरू कर देगा, यूरिया स्प्रे चालू हो जाएगा। BS4 में इसीलिए यूरिया जाम होने की जो समस्या आती थी, तो कोई कोई गाड़ी अगर लोकल चलती है, आधा किलोमीटर का ट्रिप लगाती है, तो उसमें बहुत कम खपत होती थी। 90% हमारा डोजिंग मॉड्यूल, यहाँ पे जो डोजर था टैंक के ऊपर लगा रहता था, ये डोजर, वो सोया रहता था, जब उसको काम पड़े तब जागे। लेकिन ये टैंक के अंदर से सीधा लाइन डेफ मोटर को गया है, मोटर से डोजर को गया है, डोजर से रिटर्न लाइन टैंक में गया है वापस, मतलब ये हमेशा चालू रहता है। ये BS4 और BS6 में ये अंतर है, इसीलिए BS4 के मानक के हिसाब से वो डोजिंग मॉड्यूल जो था डोजर, वो इसमें नहीं चलता। इसमें मानक जो नॉक्स सेंसर का जो लेवल, नॉक्स का जो लेवल है वो बहुत कम है, इसीलिए हमेशा रेडी टू फायर, मतलब अपना काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ से सिग्नल मिला कि BS6 मानक से जरा भी ऊपर गया, ये स्प्रे शुरू, तैयार नहीं होना है, रेडी नहीं होना है, प्रेशर नहीं बनाना है, हवा यूरिया मिक्स नहीं करना, सीधा यूरिया स्प्रे शुरू। और ये इस वजह से BS6 मानक के अंदर
अच्छे तरीके से नॉक्स को नियंत्रित किया जा सका है, इसीलिए टैंक का साइज़ बड़ा हो गया। इसका जो टैंक के अंदर हमारा जो चार वायर का गेज आता था वो पांच वायर का हो गया है, और इसीलिए ये मोटर हमेशा चलते रहता है, डोजिंग यूनिट हमेशा रेडी टू फायर रहता है, और इसी कारण से BS6 में नॉक्स की मात्रा को अच्छे से नियंत्रित किया जा सका है। और ये BS4 और BS6 के डोजिंग मॉड्यूल में ये अंतर है, यहाँ पे कोई सिर्फ मोटर है और वो प्रेशर देते रहता है और वो प्रेशर टैंक में जाते रहता है, बस यही है। तो BS4 और BS6 में ये अंतर है। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।